हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक चाइनीज बीएल को शेयर करूंगा। ये ड्रामा ऑनगोइंग है जिसका नेम है जस्टिस इन द डार्क। ये कहानी एक डिटेक्टिव ऑफिसर और एक सीरियल किलर की है। क्या होगा जब एक डिटेक्टिव को एक किलर से प्यार हो जाएगा, और किसको चूज करेगा, अपने प्यार को या अपने काम को? क्या वह अपना प्यार पाने में सफल होगा, और कौन कौन सी मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ेगा, यही इस ड्रामा में है। स्टोरी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें न्यूज एंकर को कुछ कहते दिखाया जाता है, जहां वो कह रहा होता है, हमने खोजा 1.3 मौजूदा जनसंख्या म्यूटेड सीक्वेंस डीएनए से पीड़ित है, मींस एक वायरल इन्फेक्शन से, और इस म्यूटेड के कारण वे हमदर्दी के अयोग्य है। साइंटिस्ट उन्हें अपात कहते हैं। ये एक शापित सभ्यता है। वे लोग पैदाइशी अपराधी हैं और सीरियल किलर हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे मेन लीड पेई और मिस बाई को आपस में बातें करते दिखाया जाता है, जहां मिस बाई कहती है, अपात तुम उनमें रुचि रखते हो? पेई स्माइल करता है। देन पेई कहता है, वे दिलचस्प हैं, क्या आपको नहीं लगता? एक विनाशकारी गामा रेस फट गई, इसे बनाया है 1.3%। उन्होंने एक और डीएनए सीक्वेंस दिया गया है जो उन्हें इनकैपेबल बना देता है। सहानुभूति की शायद वे भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, शायद वे अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर सकते किसी भी तरह से। वे जेनेटिकली कोडेड किए गए हैं एज अ क्रिमिनल। मिस बाई कहती है, तुम्हें लगता है जीन उन्हें ऑर्डर देते हैं? पेई कहता है, क्या वे नहीं? मिस बाई कहती है, मुझे सब पर विश्वास है, क्या तुम मुझसे असहमत हो? पेई कहता है, सॉरी मिस बाई। मिस बाई कहती है, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तन पेई कहता है, मनुष्य ऐसे ही होते हैं, है ना, सहनशीलता और विश्वास करो, हम उन गुणों को रखते हैं हमारे जैसे, ये पूरी तरह उनकी गलती नहीं है, आखिरकार उनका भरोसा कौन करेगा, एक हेरिटिक मींस धर्म विरोधी। मिस बाई कहती है, हेरिटिक तुम उन्हें कैसे देखते हो? पेई कहता है, मैंने हमेशा सोचा है आम लोग उन्हें कैसे देखते हैं, उनके तोहफे के साथ, क्या वह सीरियल किलर है या राक्षस? तन हमें पेई का फेस दिखाया जाता है। देन पेई कहता है, टाइम्स अप, थैंक मिस बाई। मिस बाई कहती है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। देन पेई उड़कर जाने लगता है, तभी मिस बाई पीछे से कहती है, पेई सू तुम अपने आप को कैसे देखते हो? पेई पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, आप बेकार की चिंता कर रही हैं मिस बाई, वो मेरे फ्यूचर के रिसर्च सब्जेक्ट हैं, और मैं बस हूँ एक साधारण धनी व्यक्ति। देन वो स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन पेई को कार में जाते दिखाया जाता है, जहाँ उसको फोन पे एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, जिस पर लिखा होता है, एक यूजर जिसको आपने फॉलो किया जेनिटर ने अपना फीड अपडेट किया, सच में दर्दनाक सच। देन वो कार से उतरकर एक कॉफी को बाय करता है और वापस कार में बैठकर उस कॉफी को पीता है। फिर हमें एक डिलीवरी मैन को एक कोरियर को लेकर खड़े किसी का वेट करते दिखाया जाता है। गाइज मुझे लगता है इसमें कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है। तभी पीछे से उस डिलीवरी मैन को कोई हिट करता है, जिससे वो डिलीवरी मैन नीचे गिर जाता है। फिर वो अटैकर अपनी टाई लेकर उस डिलीवरी मैन की गर्दन को दबा देता है। दम घुटने की वजह से उस डिलीवरी मैन की वही मौत हो जाती है। तन हमें अटैकर को रोड से निकलकर जाते दिखाया जाता है, जहां वो एक बड़े से बंगलो के अंदर जाता है। गाइस आपको अटैकर पता चल गया होगा कि वह कौन है। नाउ एपिसोड 1 अब शुरू होता है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें जोंग जाओ जिन को दिखाया जाता है, जो टीवी पर डिलीवरी मैन के मर्डर के बारे में टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा होता है। जोंग एक इन्वेस्टिगेशन टीम लीडर चीफ है। देन हमें दिखाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया इन्वेस्टिगेशन टीम लीडर से उटपटांग वाले क्वेश्चंस पूछ रही होती है, जिसे वे ऑफिसर आंसर नहीं दे पा रहा होता। ये सब जोंग टीवी पर देख रहा होता है और घबराकर अपनी टीम को कॉल करता है और कहता है, लुओ वी जाओ, बट कॉल कोई और पिक करता है, जिसका नेम होता है ताऊजी। ताऊजी कहता है, ये ताऊजी बोल रहा है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जंग कहता है, ताऊजी उसे मेरे पास आने के लिए कहो, कैप्टन लुओ को। ताऊजी कहता है, वे अभी तक नहीं आए हैं। जंग कहता है, वे मूर्ख, क्या वे नहीं जानता कि वे किसके लिए काम कर रहा है? वे जो कुछ करता है वे दाव पर लगा देता है। ताऊजी कहता है, मैं उन्हें तुरंत आपके पास आने के लिए कहूंगा। नेक्स्ट सीन हमें लोगों को साइकिल पर आते दिखाया जाता है। वहीं एक चोर एक लेडी का पर्स छीनने की कोशिश कर रहा होता है। वो लेडी जोर से चिल्लाकर हेल्प मी कह रही होती है। ये सब लोग देखता है। देन वो अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाता है और उस लेडी की मदद करता है। फिर वो उस चोर को अपनी साइकिल से बांध कर उसे अपने पीछे पीछे लेकर जाता है। देन वो वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखता है और कहता है, ये इसने चोरी की, मैंने उसे अरेस्ट कर लिया है, अब आप उसे संभाल सकते हैं। देन वो पुलिस कहते हैं, तुम कौन हो? देन लुओ कहता है, मैं एक दयालु नागरिक हूँ। देन लुओ को एक कॉल आता है जो कि ताऊजी का होता है। ताऊजी कह रहा होता है, लेट्स गो,
कैप्टन लुओ, हमारी जिंग जाई हत्याकांड में जांच के लिए जरूरत है। लुओ कहता है, नोटेड, वेट करो, मैं एंट्रेंस ऑफ एसआईडी में, मैं रस्ते में ही हूँ। नेक्सन लुओ कार से मर्डर वाले प्लेस पर पहुंचता है अपनी टीम के साथ। लुओ कहता है, क्या तुम विक्टिम की आईडी जानते हो? लैन कहती है, सिक्स्थ ब्रिज ऑफिसर एसआईडी अकॉर्डिंग टू जिंगजाई पेट्रोल डिटैचमेंट। विक्टिम हेजोंगी है, मेल 18 साल का, एक्स इजलैंड से जिंगजाई में नौकरी की तलाश में आया था। वह एक डिलीवरी मैन था। हम अभी भी उसकी मौत के कारणों का पता लगा रहे हैं। मौत का टाइम माना जाता है कल रात 8 से 11 बजे। उसकी बॉडी गली में मिली थी। लुओ कहता है, क्या तुम्हारे पास विक्टिम की कोई फोटो है? लैन कहती है, हाँ। देन लुओ उस पिक को देखता है और कहता है, कागज का नोट, ऐसा नहीं लगता कि ये गलती से उस पर गिरा है। ऐसा लगता है कि अपराधी ने जानबूझकर उस पर टेप लगाया है। फिर वो उस मर्डर वाले प्लेस पर पहुंचता है और अपनी आईडी कार्ड को वियर करता है। फिर लुओ वहां पर सभी चीजों को देखता है। देन लुओ चिल्लाकर कहता है, डिप्टी डायरेक्टर कोई। देन कोई देखता है और लुओ के पास आता है। कोई कहता है, कैप्टन लुओ, तुम यहाँ हो? देन लुओ कहता है, ये स्मेल क्या है? इसमें बदबू आती है। तीखा भी, आप यहाँ क्यों हैं? शैबी एरिया में ये एक सिर्फ छोटा सा क्राइम है। क्या आपको नहीं लगता ये जगह और अंधेरा और नम है? यहाँ कोई बिल्कुल नहीं रहना चाहता। कोई कहता है, आमतौर पर मुझे उपस्थित होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सुपरवाइजर ने मुझे बुलाया और कहा कि वे किसी और को यहाँ भेज देंगे। मुझे लगता है कि तुम लोग खुश नहीं हो यहाँ हमारे सिक्योरिटी लोगों के साथ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आया था। लुओ कहता है, बिल्कुल नहीं, हम खुश नहीं, असंभव। कम आपके मूड को ब्राइटन करने के लिए एक सीक्रेट, चीफ जंग ने मुझे बताया कि ऑनलाइन अफवाहों के बारे में। हम यहाँ आए हैं जनता के दबाव के कारण, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं। हालांकि क्या ये सच में एक जेनेटिक क्राइम है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन ऐसा कहा? मुझे नहीं लगता। कोई कहता है, मैं सहमत हूँ, एक अपात क्रिमिनल भाग रहा है, उन्होंने ये सब ऑनलाइन कर दिया। इसे इस तरह से देखा जा सकता है, ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे वह जानता है, मैं इस बारे में श्योर हूँ। एक बार चारों ओर देखो। लुओ कहता है, डिप्टी डायरेक्टर कोई, देखो इस जगह पर हर तरह के लोग हैं। हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं। अब आप हमारी सिचुएशन के बारे में भी जानते हैं, क्या आप हमें अंदर जाने दे सकते हैं प्लीज? कोई कहता है, अच्छा अंदर जाएं। लुओ कहता है, थैंक यू, चलो। वह मेरे कोलीग्स हैं। देन लैन और ताऊ जी विक्टिम की पिक्चर्स क्लिक करते हैं। उसके बाद विक्टिम की बॉडी को लेकर जाया जा रहा होता है, तभी लुओ कहता है, रुको। देन वो गर्दन पर कुछ निशान को देखता है और जिसे वो नोटिस करता है। कोई कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? लुओ कहता है, नहीं, बस काम करने की आदत है, मैं हमेशा बॉडी को दूसरी बार देखता हूँ। देन लुओ कहता है, डिप्टी डायरेक्टर कोई, क्या हमारे पास डेथ का कारण है? जैसे कि आप जानते हैं एसआईडी के कई रूल हैं, मुझे रिपोर्ट देनी है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर कोई, यदि रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दी जाती हमें यहाँ फिर से आना होगा। देन कोई एक पुलिस ऑफिसर को बुलाता है, जहाँ वो आता है। कोई कहता है, ऑफिसर्स को ब्रीफ करें, मीन्स अच्छी तरह से बताएं विक्टिम के बारे में, जहां वो सभी चीजों को बताता है उन्हें। नेक्स्ट सीन में हमें पेई को दिखाया जाता है जो कार में जा रहा होता है और एफएम में उस मर्डर के न्यूज के बारे में सुन रहा होता है। पेई उस न्यूज को फोन पर भी देख रहा होता है। तभी पेई अपनी ड्राइवर को कहता है, सॉरी मैं ऑफिस की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक दोस्त है जो फिर से किसी मुसीबत में पड़ गया है, मुझे उसे देखने जाना है। मिस्टर अब आप यू टर्न ले लो। नेक्स्ट सीन में लुओ और उसके साथियों को मर्डर वाले प्लेस पे जाते दिखाया जाता है, जहां लुओ कह रहा होता है, मिस्टर ताओ, जब वह चश्मे वाला आदमी क्राइम वाली जगह पर नहीं था। ताओ कहता है, डिप्टी डायरेक्टर कोई ने इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया? शायद इसलिए कि ये जगह जो दिखता है वह नहीं है। लुओ कहता है, मुझे उनका आखिरी सवाल मिल गया, खास तौर से दिलचस्प, फिर बॉडी को यहाँ क्यों फेंका, क्या फायदा हुआ? तभी वहाँ एक ब्लैक कार आती है जिससे पेई उतरता है, जहाँ वह खड़े तीनों ऑफिसर्स उसे ही देख रहे होते हैं, पर लुओ अभी भी पेई को ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ पेई उसे देखकर आगे जाता है, जिससे लुओ कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? पेई कहता है, मैं पास में था और मैं लंच करना चाहता हूँ ऑफिसर ताओ जी के साथ। जिसे लैन कहती है, मिस्टर ताओ, वह आपका दोस्त है? ताओ कुछ कहने वाला होता है, तभी लुओ कहता है, तुम्हारे पास जिंगजोंग में कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ क्यों हो? पेई कहता है, ऑन द साइट वेरिफिकेशन, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? लुओ कहता है, ये एक क्राइम सीन जगह है। पेई कहता है, मैं इस जगह को डेवलप करने के लिए एग्री हो गया हूँ, होंगफू रियल स्टेट के साथ मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा करके मैंने किसी को पार किया है। कुछ नशा करने वालों की मौत हो गई और एक डेड बॉडी को यहाँ फेंक दिया गया। मुझे लगता है कि ये एरिया अब बेकार है, जिसे लुओ पेई को ही देखता रहता है। लुओ कहता है, पेई सु, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना है? जिसे पेई स्माइल करता है। देन पेई कहता है, मैं सिर्फ एक दयालु नागरिक हूँ जो अपनी दोस्त को देखने के लिए आया था। एक रो में मिला लाइव स्ट्रीम पर पत्रकारों के साथ,
सो मैं उसे रिमाइंड दिलाने आया हूँ। लू कहता है इकरो कौन शामिल है इसमें। पे कहता है ताऊ जी जल्दी से आना, मैंने एक रिजर्वेशन कर दिया है पास में एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में। जिसे लू कहता है ताऊ जी और पेन को क्या मैंने कहा था कि अब आप अपना लंच ब्रेक ले सकते हैं, तुम दोनों मेरे साथ SID ऑफिस पर वापस चलो। पे कहता है मुझे लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो एक सुपीरियर के लिए काम करते हैं जो एंट्रोपोज से गुजर रहे हो। गाइस इसका मीनिंग होता है जब उम्र बढ़ती है तो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। पे कहता है तुम्हें पता है तुम और ये प्रीटी लेडी ये मेरी कार ले सकते हैं, मैं तुम्हें SID तक लिफ्ट दूंगा, आपने आज बहुत मेहनत की। गाइस लुओ का रिएक्शन देखने वाला होता है। पे कहता है तो आप एक स्पीशियस कार के लायक हैं, एक बड़े लेग रूम के साथ। जिससे लुओ कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफी स्पीशियस नहीं है। देन पे कहता है एडवाइस के लिए थैंक यू। देन वो कहता है काम रुक सकता है। लुओ कहता है हम जैसे दयालु नागरिकों को खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्रिमिनल अभी भी फरार है। ये सब देखकर ताऊजी कहता है बस अब क्या आप दोनों रुक सकते हैं बोलना। देन लुओ पे के शोल्डर पर शोल्डर मारकर कार पर चला जाता है। पे कहता है आओ बड़ी आंखों वाली लैन। लुओ कहता है तुम अपने घर में जाकर वापस उन सभी होटल्स को देख सकते हो, यहाँ हमारा टाइम वेस्ट मत करो। देन पे लैन को कहता है हे क्या आप इसके बजाय मेरी कंपनी के लिए काम करना चाहती हैं? अगर आप जैसी खूबसूरत हो तो ये बर्बादी होगी SID में रहना, मैं तुम्हें तुम्हारी करंट सैलरी से 5 गुना ज्यादा दूंगा। देन ताऊजी कहता है ठीक है ऐसा करना बंद करो। पे कहता है अच्छा तुम कहते हो तो। लुओ कहता है ताऊजी तुम किसका वेट कर रहे हो। देन ताऊजी पे को बाय बोलकर वहां से चला जाता है और ये एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है। गाइस आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपने इसी तरह BL कंटेंट को एंजॉय करना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।